अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, यह है हमारा गांव। अभी मैं निकला हूं चौराहे के लिए। अब मैं जा रहा हूं चौराहे की तरफ, फिर वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं सामने की। ठीक है, यह हमारा गांव है, छोटा गांव, खूबसूरत गांव। यह हमारा घर है, ये हमारे घर की गली है, इधर हमारा घर है। अब चल रहे हैं धीरे धीरे चौराहे की तरफ। कुछ सामान है लेना है, कपड़ा दिए थे लेने के लिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ शायद। चल रहा हूँ, देख लो छोटा सा गांव है, हमारा गांव है। अब मैं निकल रहा हूँ चौराहे की तरफ, सामने की वीडियो दिखाता हूँ। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैं निकल चुका हूँ चौराहे की तरफ। ये देखो, ये हवेली है। अस्सलाम वालेकुम, कलिया है सुबैया, मध्य प्रदेश, सतना, मध्य प्रदेश रहे। हमारे तो सतना में रहे, हाँ यूपी बॉर्डर। अब की जाए पन्ना, पन्ना वही मध्य प्रदेश में। जैसा कि दोस्तों बहुत से लोग हैं, अच्छा व्यवहार है भाई साहब, पूछने लगते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं निकल चुका हूँ चौराहे की तरफ, देख लो। ये हमारे गांव की पंचर की दुकान, यहाँ पर भैंस की काम होता है, भैंस की बिक्री होती है। मम्मी और बहन जी बोल रही थी गाड़ी से जाओ, मैं बोला गाड़ी से नहीं जाऊंगा, अगर गाड़ी से मैं आता भाई साहब तो मेरा ब्लॉग बन भी ना पाता, इसीलिए मैंने डिसाइड किया भाई साहब क्यों ना पैदल चला जाए। भाई साहब पैदल चलेंगे भाई साहब, हमारा दोनों काम हो जाएगा, ब्लॉग भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखो लुकिंग बॉयज़, यहाँ का मशहूर शोरूम है हमारे यहाँ का लुकिंग बॉयज़। ये नई नई दुकान का आविष्कार हुआ है, यहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान आई है, केजी ज्वेलरी यहाँ पर आई है। ये देखो इधर भी दुकान है। मिजोड़ा की मार्केटिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हद तक सुधर चुकी है यहाँ की मार्केटिंग। हमारे गोल्डन शो कलेक्शन, मैक चेंस मेंसवियर, ये मैक जेंस मेंस वियर, ये भी शोरूम है। ये सब हमारे गांव के लोग हैं भाई साहब, जितने भी बड़ी दुकानें हैं, जितने भी बड़े बड़े शोरूम हैं, सब हमारे गांव के हैं। ये हमारे गांव की मंडी, मुर्गा मंडी, बकरा मंडी, मछली मंडी, बकरा, मुर्गा। अस्सलाम वालेकुम भाई, आधा किलो क्या बे, देखो 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 देखो, मैं ताला वाला तो पूरी तरीके से भर गया यार। माइचवा कहाँ खेली हो? यहाँ पर हम लोग मैच खेलते थे भाई साहब, इतनी बारिश हो गई तो पूछो ही मत भाई। ये देखो अपनी मंडी है भाई साहब, मिजोड़ा चौराहा मंडी, यहाँ पर तो भाई साहब पूछो ही मत भाई साहब, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर लोग गोश्त खरीदने के लिए। ये तालाब तो पूरी तरीके से एकदम फुल हो गया भाई। अभी जाते वक्त जब मैं गया था, शायद तालाब पूरी तरीके से एकदम सूख गए थे।
उधर मुर्गा मंडी थी बगल में, और बगल में लगी है भाई साहब मछली मंडी है, देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे सब है। ये है मछली मंडी भाई साहब, यहाँ पर मछली की तो पूछो ही भाई साहब, बहुत ज्यादा डिमांड है भाई साहब यहाँ पर मछली की। ये थी अपने गांव की मंडी, मछली मंडी, मुर्गा मंडी, बकरा मंडी भाई साहब। देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में यहाँ पे आती भाई साहब मछली बिकने के लिए, और एक ही दिन में सारी मछलियाँ ख़त्म हो जाती हैं भाई। अब मैं निकल चुका हूँ अपने चौराहे की तरफ, जा रहा हूँ भाई साहब चौराहे की तरफ, उसके बाद उधर ही काम है मैंने काम, लेकिन इधर घूम के भाई साहब क्यों ना इधर की वीडियो बन जाए। मसाला मुर्गा सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। क्या मेरा दोस्त, हाँ आ गए, हाँ बस आधा किलो यही पगला है, कीरी खाते देखे ये मुर्गा कितने रुपए किलो है साला, वही महंगा है बहुत थोड़ी आएगे। वही तो 240 रुपए किलो, यूँ ही करा भैया 140 रुपये, अभी निकला है परसों की बात बताई तो है, खड़ा 140 रुपया। भाई साहब हमारे गांव की मंडी थी एकदम सस्ती भाई साहब, मध्य प्रदेश में मुर्गा भाई साहब 240 रुपए किलो था, और इधर मुर्गा भाई साहब 160 रुपए किलो है भाई। देखो बकरा कट रहा है, ये देखो इधर है सब्जी मार्केट, सब अलग अलग मार्केट इधर पर डिवाइड हुए हैं, सब्जी मार्केट, मुर्गा मार्केट, बकरा मार्केट, मुर्गा मार्केट और बकरा मार्केट दोनों एक साथ हैं, बाकी मछली मार्केट जो है थोड़ा डिवाइड हुए हैं, और यहाँ पर सब्जी मार्केट भी थोड़ा डिवाइड हो गया भाई साहब, सब अलग अलग दुकान यहाँ पर लगी हुई है। अच्छी बात है यहाँ की मार्केटिंग बहुत अच्छी है। तो आज तो जुम्मा है यहाँ की बाज़ार भाई साहब, बुधवार और शनिवार को होती है, और सब्जी ढूंढ रहे भाई साहब, सब्जी नहीं मिल रही, इतने बड़े चौराहे सब्जी ना मिले तो बेकार है भाई। क्या जा रही सेठ, ये है अपना चौराहा भाई साहब, चौराहा पान मंदा, ये अपनी दुकान मोबाइल के। आओ चलो भाई, नहीं आई का, अच्छा भाई गए एक नंबर करने के लिए। ये है चौराहा भाई साहब, चौराहा की मार्केटिंग भाई साहब है, देख लो यहाँ पर भी एक दुकान तैयार हो रही है, लेकिन खुलेगी नए साल पे खुलने वाली है। ये चौराहा है, बीच चौराहा है, यहाँ का समोसा बहुत मशहूर है, 10 रुपये का समोसा मिलता है, पनीर वाला समोसा। क्या फिरोज भाई,
मैं निकल चुका हूँ वो गोसाईगंज वाले रोड पे, चलना भाई साहब टेलर के पास। 2 महीने से कपड़ा दिया हूँ, पता नहीं सिला गया कि नहीं सिला गया। देखो यहाँ पर भी दुकानें बन रही हैं। चौराहा भाई साहब एकदम डेवलप, फुल डेवलपमेंट भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त चौराहा होने वाला है 2-3 साल के अंदर में। गुफरान भाई कपड़ा भी फंसे हुए यार, अस्तर मंगाए लेकिन थोड़ा अलग मिल गया अस्तर वाला, अलग है पूरा, दिक्कत आ रही है। तो अच्छा और कुल हो गया, ये का क्लियर करो कर जानो कुछ करी फिर। जैसा कि दोस्तों भाई साहब यहाँ पे 2 महीने से कपड़ा दिया हूँ लेकिन अभी तक तो कंप्लीट ही नहीं किए भाई। टेलर भाई साहब महान टेलर हैं भाई, गुफरान भाई हमारे महान टेलर हैं, तो 2.5 महीने से काम नहीं कर पाए भाई। अब बोल रहे हैं आज रात को अस्तर लगेगा, आज रात को ले लेना या तो कल ले लेना, तुरपाई भी हो जाएगी आज रात को, बताओ। देखते हैं आज रात को क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, ये हमारा चौराहा, ये है हमारे गांव का चौराहा, देख लो पूरी तरीके से भाई साहब। तो मैंने तो आज अपने चौराहे की तो वीडियो डाल दी है। जैसे कि दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।